सबसे अच्छी स्पर्धा है अपने आप से ही स्पर्धा। बच्चों को चाहिए कि वे निरंतर अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। तो स्पर्धा कितनी महत्वपूर्ण है? मोदी जी कहते हैं कि स्पर्धा दूसरों से करने के बजाय स्वयं से कीजिए, अर्थात प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा कीजिए। मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए, आप कंपटीशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए, आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉनस्टॉप काम कर सकता हूं, 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकता हूं, सामने वाला 5 का कर सकता है तो मैं 5 नहीं कर सकता, छोड़ो यार मैं 3 के 3.5 कैसे कर लूं। ये बदलाव बहुत जरूरी है, अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल सही, खुद ही के बनाए गए रिकॉर्ड को ब्रेक करने से अपनी क्षमता तो बढ़ेगी ही, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरों के साथ अपनी तुलना क्यों करें? जब आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद को सीमित कर लेते हैं। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। मोदी जी आप सबको बहुत पते की बात बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के साथ साथ लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है। आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे, उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर माँ बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और इसमें आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी, आप देखिए ये सारे जितने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या? कोई उसका साथी कहता है क्या, ये मेरे क्लास में पढ़ता था बिल्कुल डब्बू था, लेकिन अब वो डब्बू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा के ले आता था। क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचानी, वो चल पड़ा, अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में, वो PhD हो गए, साइंटिस्ट होंगे, वो उस दिशा में जाएंगे। कभी कभार होता है खुद को न जानना, ये समस्या का एक कारण होता है। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं, यार वो 4 घंटे पढ़ता है चलो मैं भी 4 घंटे, वो 3 घंटे ये करता है मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप
आप रहते ही नहीं है। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो, आप देखिए। दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर ये स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना दे और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है, आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी, जो ऊर्जा आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो किसी और से नहीं, खुद के साथ स्पर्धा करेंगे तो आप आइकॉन बन जाएंगे, लोग आप जैसा बनना चाहेंगे। खुद के साथ अपना पैरामीटर बनाकर आगे बढ़िए, सेटिस्फेक्शन के साथ एक न्यू एनर्जी फील करेंगे।